भास्कर, आप नेशन भारत के साथ में राकेश, और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको ये बता दे चले कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और एनडीए के प्रत्याशी एक बार फिर से विजय घोषित किए गए हैं। जी हां, आपको बता दे चले कि एनडीए के प्रत्याशी और बीजेपी नेता तीन बार से लगातार विधायक रहे नितिन नवीन ने एक बार फिर से जीत को बरकरार रखा है और उन्होंने लगभग 15,000 वोटों के डिफरेंस से उन्होंने जीत हासिल की है। आपको ये बता दे चले कि इनके निकट अगर प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो लव सिन्हा, जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस नेता लव सिन्हा इनके सामने खड़े थे, लेकिन काफी डिफरेंस वोट के जरिए ये काफी पीछे रहे। और आपको ये बता दी चले कि नितिन नवीन काफी सारे मतों से आगे चल रहे थे, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से लगातार वो रुझानों में आगे चल रहे थे और एक बार फिर से अपने जीत का जो दबदबा है नितिन नवीन ने कायम किया है। भाजपा का जो भरोसा था नितिन नवीन के ऊपर, उन्होंने उस भरोसे को कायम किया है और एक बार फिर से बांकीपुर की जनता ने अपने विधायक के रूप में नितिन नवीन को चुना है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि नितिन नवीन जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, आपको ये बता दें चले कि 3 टर्म नितिन नवीन पूरा कर चुके हैं और ये 4th टर्म है, यानी कि 15 साल पूरा करने के बाद अब वो उन्हें 5 साल काम करने का मौका और दिया गया है। इनके निकट प्रतिद्वंदी की बात की जाए, लव सिन्हा जो महागठबंधन के प्रत्याशी बताए जा रहे थे, उनकी हार हुई है। एक और प्रमुख चेहरे की जरूर बात करेंगे, उसका चर्चा करेंगे और वो है बिहार की भावी अपने आप को मुख्यमंत्री बताने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी, उनकी भी बुरी तरह से हार हुई है। जी हाँ, बुरी तरह हार इसलिए हुई है क्योंकि उनके अपने कार्यकर्ता भी पुष्पम प्रिया चौधरी को वोट नहीं दिए हैं और नितिन नवीन के सामने तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता रहे कि भाजपा के जो विधायक एक बार फिर से चुने गए हैं, बांकीपुर की जनता ने उन्हें फिर से अपने विधायक के रूप में चुना है, काम करने का फिर से मौका दिया है और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि नितिन नवीन यहां से फिर से जीत हासिल करेंगे क्योंकि बांकीपुर की जो जनता है लगातार इन्हें अपना विधायक चुनती आ रही है, इनके सामने किसी की कोई टक्कर नहीं ले सकता और यही वजह है कि लगातार नितिन नवीन जो है फिर से उन्होंने जीत हासिल की है। बहरहाल, नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।